गोड्डा जिले में इन दिनों झारखंड और यहाँ की संस्कृति को चित्रकारी के माध्यम से दीवारों पर उकेरने का काम किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। यह तस्वीरें झारखंड के उप राजधानी कहे जाने वाले दुमका या सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले देवघर की नहीं बल्कि हमारे इसी गोड्डा जिले की है, जहाँ जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान इस सुंदर पहल करते हुए जिला प्रशासन यहाँ की खाली पड़ी सरकारी दीवारों पर झारखंड की संस्कृति एवं प्रकृति को दर्शाने का काम कर रही है। न केवल प्रकृति बल्कि देश के महापुरुषों की तस्वीरों को भी दीवारों पर उतार कर जिले को सुंदर बनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन देवघर परिसदन सभागार में किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि चकाई बिहार की ओर से ब्राउन शुगर लेकर देवघर आ रहे लोगों की सूचना प्राप्त हुई। वहीं इस मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए अंधरी गादार चौकी जसीडी के समीप गहन वाहन चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में बनी टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दरमियान एक चार पहिया वाहन स्कॉर्पियो जब्त कर लिया गया है, जिसमें सवार चालक समेत तीन लोगों एवं स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई। उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इसके पश्चात हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के बयान के आधार पर छापेमारी कर तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सूचना के आधार पर अंधेरी गादर चौकी जसीडी में चेकिंग की गई तथा छापामारी करके स्कॉर्पियो से तीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लगभग 600 ब्राउन शुगर का पुड़िया बरामद किया गया है। उनकी निशानदेही पे देवघर में इस कार्य में लिप्त तथा इसको ब्राउन शुगर को कंज्यूम करने वाले तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कुछ ब्राउन शुगर का पुड़िया बरामद किया गया है। इस प्रकार कुल 650 ग्राम ब्राउन शुगर पुड़िया, 6 व्यक्ति जो इस कार्य में लिप्त हैं, एक स्कॉर्पियो और कुछ मोबाइल बरामद हुआ है। बाजार मूल्य इसका लगभग 2.5 से, कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं, कुछ दुमका के और कुछ देवघर के भी रहने वाले हैं। बुधवार को स्थानीय सरकंडा चौक पर विपरीत दिशा से आ रही बाइक और टोटो की भिड़ंत हो जाने से एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। झारखंड में रहकर शिक्षा ले रहे मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। यदि आप इन परीक्षाओं में राज्य में अव्वल आते हैं तो अब आपको सौगात के रूप में मोटर कार भी मिल सकता है। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा राज्य के दो स्टेट टॉपरों को कुछ ऐसे ही सम्मान से नवाजा गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री द्वारा मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर रहे मनीष कुमार कटियार और इंटर की परीक्षा में टॉपर रहे अमित कुमार को चमचमाती हुई कार देकर सम्मानित किया है। शिक्षा मंत्री के इस कदम से राज्य के छात्रों को निश्चित रूप से उत्साह बढ़ेगा। इस दौरान विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो एवं झारखंड अधिवित परिषद अध्यक्ष अरविंद सिंह भी मौजूद थे। दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड में प्रशासन द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जहां कांजवे पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा। इस दौरान पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त कराया कि आपको जो भी समस्याएं हैं आप सीधे सरकार के समक्ष रख सकते हैं, प्रशासन आपके द्वारा आपको बिचौलिए से छुटकारा दिलाएगी। कहा कि किसी भी कार्य के लिए आप सरकार से जुड़कर इसका समाधान कर सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह एक आदिवासी बहुल्य गांव है, जहां पेंशन, आवास व राशन कार्ड के नाम पर बिचौलिए उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी समस्याएं सरकार सीधे सुनेंगे। इस दौरान जिले के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में ग्रामीण युवक युवतियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का विषय ट्राइकोडर्म आधारित खाद उत्पादन है। पौधा सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्य भूषण ने बताया कि विभिन्न फसलों जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, अरहर, चना, मसूर आदि में मुरझा रोग गोड्डा जिले के लिए एक विशेष गंभीर समस्या है। किसान भाई फसलों की मुरझा बीमारी की वजह से काफी परेशान है तथा कुछ किसान बैंगन की खेती से विमुख होते जा रहे हैं। इसके समाधान के लिए बीज उपचार, प्रतिरोधी किस्म का चयन, अम्लीय भूमि में चूने का प्रयोग तथा ट्राइकोडम युक्त सड़ी खाद का उपयोग किया जा सकता है। बुधवार को पड़ियाहाट से गोड्डा की ओर आ रही ऑटो पलट जाने की वजह से इस घटना में दो महिला घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो में सवार घायल महिला पड़ियाहाट के सतबंधा की रहने वाली बताई जा रही है, जो पड़ियाहाट से गोड्डा की ओर आ रही थी। ऑटो के पलट जाने की वजह से दोनों महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में अस्पताल प्रबंधन समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में सिविल सर्जन गोड्डा को
कोविड-19 के संभावित प्रसार को देखते हुए उनके बचाव एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महोदय के द्वारा सिविल सर्जन गोड्डा को बताया गया कि जिले में अन्य राज्यों एवं अन्य जिले से आने वाले व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव की पहचान कर क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएं। गोड्डा जिले में पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस बीच जिला के मेहरमा व ठाकुरगंटी प्रखंड से होकर गुजरने वाला ढोलिया नदी बाढ़ के पानी हिलोरे मारता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मेहरमा व ठाकुरगंटी प्रखंड के कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश से इस नदी का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ गया है। यही कारण है कि नदी के तट पर बसा गांव पूरी तरह त्राहिमाम है। गांव वाले बाढ़ की वजह से घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि इस त्राहिमाम वाले माहौल में जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद डेंजर जोन में पड़ने वाले घरों एवं वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन की टीम 24 घंटे लोगों की राहत कार्य में जुटी हुई है।